खबर है बेमिसाल। एक विमान को छुपाया गया 15 साल। भारतीय विमान जिसकी आवाज से कांपा इस्लामाबाद। आसमान में दर्जनों बिजलियों ने भारत के अस्तित्व का किया प्रचार। एक ऐसा विमान जिससे अमेरिका संग जापान भी कांपा। बिना हथियार ने इसे कैसे बनाया दुश्मन का सबसे खौफनाक विमान, जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है लेकिन रूप अदृश्य था। दोस्तों 27 मई 1997, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के आसमान बिल्कुल साफ और शांत था। लगता नहीं था कि बारिश होगी। तभी गर्जन की तेज आवाज इस्लामाबाद के घरों में सुनाई दी, मानो जैसे एक साथ दर्जनों बिजलियां कड़की हो, वो भी लोगों के घर के एकदम पास। पर दोस्तों जब लोगों ने घर से बाहर झांका तो आसमान साफ था, पर ये गर्जन का बड़ा शब्द किस चीज का था? लेकिन पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को शायद इसकी भनक थी कि अभी अभी उनके सर के ऊपर से क्या गुजरा है। उन्होंने तुरंत अपने लड़ाकू विमान तैयार किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस शाम पाकिस्तानी एयरबेस में एक एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की थी। ऐसी आवाज तब होती है जब विमान ध्वनि की रफ्तार को पार कर जाता है। इस धूम धड़ाके का नाम था भारतीय वायुसेना का MiG-25 लड़ाकू विमान, जिसकी आवाज ने पूरे इस्लामाबाद को हिला दिया। वो दरअसल मिग का सोनिक बम था। उस समय इसे पाकिस्तान की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं कुछ कर पाया, तो हकीकत यह है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भारत के MiG-25 के यही सबसे बड़ी ताकत थी। इस समय देश को फ्रांस से नया लड़ाकू विमान राफेल मिला है। इससे आकाश में भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। लेकिन एक समय दोस्तों ऐसा भी था जब हमारे विमान पाकिस्तान में घूमकर चले आते और वो चुप्पी मारकर बैठा रहता। देशवासियों, ये कहानी है MiG-25 की। एक विमान जिसे लड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कोई हथियार नहीं, कोई बम या मिसाइल नहीं, फिर भी इसे कोई हरा नहीं सकता था। कभी किसी की पकड़ में ना आया। इसके निर्माण की वजह अमेरिका और रूस के बीच चल रहा शीत युद्ध था। सोवियत रूस ने इस विमान को खासकर दुश्मन की रणनीतिक जानकारी हासिल करने के लिए बनाया था, अमेरिका के खिलाफ एक गुप्त हथियार। 1967 में पहली बार जब यह दुनिया के सामने आया तो पश्चिम को तेज झटका लगा। नाटो ने कोडनेम दिया फॉक्सबैट। रूस ने इस विमान की हर जानकारी को एक गहरे राज की तरह संजो कर रखा। इसे अपने सबसे करीबी साथियों तक को नहीं दिया। पहली बार उड़ान भरने के अगले करीब 10 वर्षों तक यह सभी के लिए एक अजूबे की तरह था। पर दूसरी ओर अमेरिका तिलमिलाया हुआ था। आखिर उसे MiG-25 की अचूक क्षमताओं के बारे में जानना था। क्या था जो मिग को अदृश्य बनाता था? पर फिर वो समय भी आया। साल 1976 में रूसी पायलट विक्टर बेलेनको ने दगाबाजी की तो इसके सीक्रेट सामने आए। फिर भी वो इतने काफी नहीं थे कि इसे आसमान की ऊंचाइयों में पकड़ सके। और जब रूस ने इसी फॉक्सबैट की खरीद का प्रस्ताव भारत के सामने रखा तो उस समय के एयर चीफ इंद्रिस लतीफ ने मौके को गवाया नहीं। उस समय भारत के जासूसी विमान पुराने हो चुके थे, जिसे दुश्मन आसानी से पकड़ सकता था। वही निगरानी के लिए एक सैटेलाइट अभी भारत की पहुंच से बहुत दूर था, इसलिए इस विमान की इंडियन एयरफोर्स में एंट्री हुई अगस्त 1981 में। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता। ये Mach 3 से ज्यादा तेज चलता, यानी कि आवाज की स्पीड से 3 गुना तेज रफ्तार का पंछी था। दूसरे विमान 40 से 50 हजार फुट की ऊंचाई पर होते और ये 80 हजार से भी ऊपर हवा में गोते खाता था। पकड़ना तो दूर, इसका पता लगाना भी मुश्किल था। अगर किसी को टेक ऑफ टाइम और नेविगेशन रूट ना पता हो तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। कोई आगे से पीछा करना शुरू करे तो भी कुछ देर बाद पीछे हो जाए। दूसरे विमान इसके करीब तक नहीं भटक सकते थे, इसलिए किसी हथियार की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि तब की सबसे तेज गाइडेड मिसाइल भी इसका पीछा नहीं कर सकती थी। एयरफोर्स के एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया कि 80 और 90 के दशक में इस विमान ने पाकिस्तान के ऊपर कई उड़ान भरकर अहम जानकारियां हासिल की। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब की पाकिस्तानी सरकारों और वहां के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। दरअसल उनका सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान भी भारतीय विमान की तुलना में आधी क्षमता का ही था। ऐसे में वो अपनी जनता पर अपनी कमजोरी को उजागर होने देना नहीं चाहते थे। दोस्तों 1999 के कारगिल वॉर के दौरान भी वो बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि तब भारतीय सेना को ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों का पता लगाना था और ये काम MiG-25R बखूबी कर सकता था, क्योंकि एक ड्रोन सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर सकता है, वहीं सुखोई कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर तक, जबकि MiG-25R में 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक बार में कवर करने की क्षमता रखता है, जिसका कारण था इसका कैमरा।
MiG-25R का कैमरा बहुत पावरफुल था, लेकिन करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और उस ऊंचाई की कुछ मुश्किलें भी थी। भारत में केवल 42 पायलट इस विमान को उड़ाने के लिए ट्रेन थे। उनमें से एक थे ग्रुप कैप्टन की पोस्ट से रिटायर आलोक चौहान। आलोक चौहान बताते हैं कि उतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए विमान को संभालना भी मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे स्पेस शटल में हो। लड़ाकू विमान बोलते ही लोगों के दिमाग में वॉर फिल्म के वो सीन घूमने लगते हैं जहां एयरक्राफ्ट तेजी से इधर उधर कलाबाजियां खाते हैं। लेकिन फॉक्स बैट ऐसा नहीं था। आसान भाषा में समझाएं तो यू टर्न करते करते भी ये 100 किलोमीटर से ज्यादा घूम जाता था। यानी कि अगर जयपुर के आसमान से विमान को ईस्ट डायरेक्शन की ओर घुमाया जाए तो फिर वेस्ट डायरेक्शन दिशा में घुमाने तक ये दिल्ली के आसमान पर होता था। वहीं इसका इंजन भी अलग था और डिजाइन भी। स्पीड की वजह से एयरक्राफ्ट की बॉडी 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थी, इसलिए इसमें खासतौर पर टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही पायलट के कपड़े अलग होते। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी ये कमाल का विमान था। अगर सेना से जुड़े लाभ को छोड़ दीजिए तो भी इसके नाम 2 दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। 21 अगस्त 1977 को रूसी टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फोडोटोव इसमें बैठकर 1,23,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए थे। वहीं 1995 में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट्स ने MiG-25 से सूर्य ग्रहण की शानदार तस्वीरें खींची। इसलिए दोस्तों ये कहावत कही जाने लगी कि MiG-25 सूरज को छू कर आया है। आखिरकार करीब 25 वर्षों की शानदार पारी के बाद मई 2006 में इसकी उड़ान थमी। पहले पहल इसकी उम्र आकी गई थी 15 साल। इसकी क्षमता को देखते हुए 3 बार इसे बढ़ाया गया। 2.5 दशक में इस विमान ने देश के लिए ढेरों जानकारियां जुटाई, हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ और रडार इमेज लिए। इसमें से ज्यादातर जानकारी टॉप सीक्रेट है। दोस्तों आज भी MiG-25 के तमाम मिशन के बारे में अभी तक बहुत कुछ पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपनी कमजोरी को ज्यादा छुपाकर नहीं रख पाई। 1997 की गर्मियों में वो समय आया जब उसकी पोल खुल गई। उस दिन सोनिक बूम के बारे में भारत की तरफ से तो ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन तब के पाकिस्तानी विदेश मंत्री गौहर अयूब खान ने अंदेशा जताया कि MiG-25 इस्लामाबाद के महत्वपूर्ण ठिकानों की तस्वीर खींचने आया था। दोस्तों आपको बता दें कि 27 मई 1997 की उस शाम को विमान जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ तब उसकी ऊंचाई थी करीब 65,000 फीट और स्पीड आवाज की रफ्तार से कम थी। इस्लामाबाद के ऊपर पायलट ने विमान की स्पीड को आवाज की रफ्तार से तेज किया और नतीजे में जो हुआ वो सोनिक बूम था। कहते तो ये भी है कि भारतीय पायलट्स ने ऐसा जानबूझकर किया केवल पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि हम आ गए, पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। दोस्तों अगर आप MiG-25 और भारतीय सैनिकों की जोड़ी की सराहना करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर भारतीय MiG-25 की यादों को ताजा करें। वेल दोस्तों ये थी खबर दुनिया के सबसे बेहतरीन विमान MiG-25 के अजूबे की, जो किसी रहस्यमय विमान से कम नहीं था। इसकी सेवा और प्रदर्शन के आगे आज कोई विमान इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।